हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी का एग्जाम जो है जल्द से होने वाला है, जैसा कि उसको देखते हुए मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को MCQ के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए डेली बेसिस पे आपके समक्ष वीडियो ला रही हूँ। आप डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी वीडियो। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के सभी टॉपिक, सभी चैप्टर वाइज थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी प्लेलिस्ट एक एक चैप्टर का बना हुआ है, एक एक तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी पर भी विशेष ध्यान दीजिए और डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है रक्त, यानी कि ब्लड। ब्लड द्वारा एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है जो रक्तवाहिनी के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा द्रव कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव होता है, जीवित द्रव है जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? By which artery is blood carried from the right ventricle of the heart to the lungs for purification? यानी रक्त purification शुद्ध होने के लिए दाएं नीले से किसके द्वारा जाता है? वह जाता है pulmonary धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? Pulmonary artery यानी धमनी के द्वारा। जैसा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन pulmonary artery एक ऐसा artery है, धमनी है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों में जाता है। वहां फेफड़ों से जो एल्वोलाइज होती है, कुपिकाएं होती हैं, वहां से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे दे देता है, जहां पे एल्वोलाइज में डिफ्यूजन प्रोसेस यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। वहां पे रक्त शुद्ध होकर के पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। सिराओं में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक पल्मोनरी सिरा ही ऐसा है जहां पे शुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से फेफड़ों से शुद्ध होकर के आता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते जाता है महाधमनी में और महाधमनी की समस्त शाखाएं को द्वारा पूरे शरीर के अंगों तक भेज दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, हाउ इज हार्ट रेट डिफाइंड? तो हार्ट रेट क्या है? प्रति मिनट में जितने बार हमारा दिल का धड़कता है, रक्त को पंप करता है, उसी को हम कहते हैं हृदय गति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट दिल की संकुचन की संख्या, नंबर ऑफ हार्ट कंट्रक्शन पर मिनट, ये हम कहते हैं कि हृदय गति। एक मिनट में कितना हार्ट रेट होता है? तो 72 बार, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कॉल्ड? तो हृदय जो है पेशियां तीन पेशियों से मिलकर बना है, तीन आउटर से पेशियों के, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना है, जिसके बीच में सेरस नामक द्रव पदार्थ भरा रहता है, हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, हृदय स्पंदन में सहायता करता है। तो हृदय से बाहरी परत एपिकार्डियम है, बीच वाली परत मध्य परत है मायोकार्डियम, तीसरा यानी कि सबसे आंतरिक परत है एंडोकार्डियम, जो पतली झिल्ली के समान होता है और जिसका संबंध रक्त वाहिकाओं से होता है, जिसके अंदर अलिंद और निलय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिकार्डियम, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? Which minerals plays an important role in blood clotting? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज पदार्थ है? तो वो है कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, जब मिनरल्स में बोले, खनिज पदार्थों में बोले, तो
कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ब्लड कणिकाओं में बोले तो प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन में बोले तो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जिसका निर्माण यकृत में होता है रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन में बोले तो विटामिन के रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियल मायोपैथी का संबंध किससे है, व्हाट इज कार्डियल मायोपैथी रिलेटेड टू। तो कार्डियल मायोपैथी का संबंध है कार्डियक और ट्रॉफी से, कार्डियक और ट्रॉफी से। और ट्रॉफी होता क्या है, एक हाइपरट्रॉफी होता है जिसे आप देखें, हाइपरट्रॉफी मतलब जैसे कि मसल्स हाइपरट्रॉफी होता है, तो यानी कि जब हम डेली बेसिस पे व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स की आकृति आकार और मजबूत होता है बढ़ता है, उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जब एकदम शिथिल पड़ जाने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है छोटी हो जाती है उसे और ट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्डियक मायोपैथी किसी भी रोग को उसके कारक को मायोपैथी कहा जाता है। तो कार्डियक मायोपैथी का संबंध किससे है, तो कार्डियक और ट्रॉफी से है। यानी कि कार्डियक और ट्रॉफी में होता क्या है कि कार्डियक मायोपैथी नामक बीमारी के कारण हृदय की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण दिल शरीर को ठीक तरह से खून नहीं पहुंचा पाता है और जिसके कारण दिल काम करना बंद कर देता है। एक होता है कार्डियक हाइपरट्रॉफी, इसे विभिन्न कारकों के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों की वृद्धि को संदर्भित करता है। हृदय अतिवृद्धि कभी कभी वास्तव में एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। ज्यादातर मामलों में हृदय की मांसपेशियों का बढ़ना शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है और इसे हृदय से संबंधित मौतों को में एक प्रमुख माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन है फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, जीवाणुओं के खिलाफ लड़ता है। ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, संक्रमण से बचाता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है और WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है और WBC को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट बोला जाता है, RBC को एरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है, द हेल्पफुल इज फॉर्मिंग ब्लड क्लोट, वो है आपका थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। और प्रोटीन में ब्लड प्रोटीन में आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एंड मिनरल से खनिज पदार्थ में कैल्शियम, विटामिन में विटामिन के रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। यानी थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट्स जो होता है चोट से घायल भाग में रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं तथा क्षतिग्रस्त उत्तक में थ्रोम्बोसाइट नामक पदार्थ एवं रक्त प्लेटलेट्स मुक्त होते हैं जो रक्त को थक्का जमाने में कार्य करते हैं। दोस्तों एक और होता है हमारे यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। तो हिपेरिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है रक्त को जमने नहीं देता और जब कट जाते हैं तो रक्त जो ही हवा यानी वायु के संपर्क में आता है हिपेरिन जो है वो प्रभावहीन हो जाता है और रक्त को जो जमाने वाले पदार्थ हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और रक्त जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन ए हेल्दी पर्सन। तो उसे होता है 6,000 से 10,000 प्रति घन मीटर यानी 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि 5,000 से 11,000 होता है बट यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा 6,000 से 10,000। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट क्या है, व्हाट आर थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट्स को हम कहते हैं, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी खराबी के कारण फुफ्फुस सोफ की स्थिति प्रकट हो जाती है, ड्यू टू व्हिच मेल फंक्शन द कंडीशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा अपीयर्स। तो किसकी खराबी के कारण होता है दोस्तों,
यह होता है बायां हृदय। बायां हृदय की खराबी के कारण फुफ्फुस शोक की स्थिति प्रकट हो जाती है, यानी कार्डियोजेनेसिस पल्मोनरी एडिमा हृदय में बढ़े हुए दबाव के कारण होती है। आमतौर पर दिल की विफलता का परिणाम होता है जब कोई रोगग्रस्त या अधिक काम करने वाला बायां वेंट्रिकल आपके फेफड़ों से मिलने वाले रक्त को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता तो हृदय में दबाव बढ़ जाता है। इसी को फुफ्फुस शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अबंडेंट ब्लडिंग? तो प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं, यानी कि रक्त जम ही नहीं रहा है, रक्त जब बाहर कटने पर या कोई भी चोट लगने पर रक्त जब निकल रहा है तो वो रक्त जम ही नहीं रहा है, उसे हम कहते हैं हेमरेज। क्या कहते हैं? हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कॉल्ड? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच के अंतर को कहते हैं नाड़ी दाब। क्या कहते हैं? नाड़ी दाब, यानी पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्षीय पुरुष के लिए प्रशिक्षण का एनारोबिक घनता क्षेत्र क्या होगा? द एनारोबिक इंटेंसिटी जोन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द 20 ईयर ओल्ड मेल वुड बी? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 160 BPM। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर के किन महत्वपूर्ण क्रियाओं की चलायमान रखने के लिए अपेक्षित ऊर्जा का न्यूनतम स्तर है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन विच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था, कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड अवेक स्टेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है। एंटीजन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ, तो एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण किसका उत्पादन होता है? तो वो होता है एंटीबॉडी का। किसका होता है? एंटीबॉडी का। एंटीजन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। यह रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में ज्यादातर होता है, बनता है, यानी कि एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर को बैक्टीरिया से रक्षा करता है। गामा रक्त गोलिका प्रोटीन है जो मेरुदंडीय प्राणियों को रक्त एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम द्वारा बैक्टीरिया या वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानता है और उन्हें बेअसर करने में मदद करता है, यानी कि बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है आपका एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है एंड बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को खाने यानी भक्षण करने का काम करता है। मोनोसाइट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोएट्रियल नोड स्थित होता है। साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड यानी SA नोड कहाँ पे स्थित होता है दोस्तों? दाहिने अलिंद में। कहाँ पे? दाहिने अलिंद, इन द राइट आर्ट्रियम। तो दाहिने अलिंद में जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा आकर के रक्त को दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त को छोड़ती है वहां पे ये होता है SA नोड। जहां पे वेगस तंत्रिका आवेग यहाँ पे आता है जिसके कारण SA नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं, जो हृदय के नियंत्रक होता है, हृदय गति का नियंत्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक ऊतक के रूप में जाना जाता है जिसमें अंतर कोशीय पदार्थ होता है। ब्लड इज नोन एज ए टिश्यू विच कंटेन्स इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। तो यह तरल के रूप में जाना जाता है। अंतर कोशीय पदार्थ क्या होता है? इसमें तरल, ठीक है।
जिसमें तरल अंतःकोशिक पदार्थ होता है रक्त को संयोजी ऊतक माना जाता है क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स होता है जिसे जीवित पदार्थ जीवित कोशिका प्रकार इसमें होते हैं। इस तरल पदार्थ में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये सब तैरते रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तरल पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, पानी जैसा। नेक्स्ट है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर सुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, यह कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन से। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की बीटा कोशिका से स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता, इसकी ही उपस्थिति में ऊर्जा बनता है तो ऊर्जा भी नहीं बन पाता, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होने लगता है। इसी को कहते हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलता है। तो दोस्तों एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ प्रवाहित किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, उसकी मात्रा होती है 72 ml। एंड कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड एक्साइटेड बाय द वेंट्रिकल। तो कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलता है तो एक बार में कि एक मिनट में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एक मिनट में हमारा बायां एंट्रिकल वेंट्रिकल यानी निलय, हृदय का बायां निलय जितना एक मिनट में रक्त को शरीर की तरफ भेजता है उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 72 होता है, हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 होता है, हार्ट रेट 72 होता है। 70-72 का गुणा करेंगे तो 5040 ml होगा यानी 5.04 ml, यानी कि एक मिनट में हृदय जो है शरीर की तरफ कितना रक्त प्रवाहित करता है तो 5 लीटर के लगभग, 5.04 लीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के दिल में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट? तो एक दिल यानी कि हार्ट में हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को अलेंद्र, नीचे के 2 चैम्बर को निलय कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल्स हैव लाइफ तो 120 दिन होता है। कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 5 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का प्रति क्यूबिक रक्त में कितना संख्या होता है? 5 मिलियन यानी 50 लाख। WBC की संख्या कितनी होती है एक क्यूबिक रक्त में? तो 5000 से 11000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है प्रति क्यूबिक रक्त में? तो 1.5 लाख से 5 लाख तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानों में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप है। सामान्य मानों में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? Which is systolic and diastolic blood pressure in a human, in a normal human? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 120 से 120/80 mmHg, यानी कि सिस्टोलिक जो होता है रक्तचाप 120 होता है, डायस्टोलिक 80, यानी 120/80 से अगर कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 120/80 से ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही बोला जाता है। सार्वभौमिक ग्राही कौन है? ए बी। और सर्वदाता सबको दे कौन सकता है? ओ। और उसके अलावा ए ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, उसके अलावा ए ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ठीक है। और जो रक्त है एंटीजन की उपस्थिति, किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का जो निश्चय होता है उसकी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज बी होगा, इसलिए आप केवल ए से ले सकते हैं। अगर बी देगा तो दोनों का एंटीजन एक में मिल जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा, यानी कि सेम सेम एंटीजन होना चाहिए तभी आपको रक्त दिया जा सकता है।
तो जैसे कि ए रक्त वर्ग एक में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज बी, रक्त वर्ग बी में एंटीजन बी होता है एंटीबॉडीज ए होता है, एंड रक्त वर्ग ए बी में दोनों ए बी दोनों एंटीजन यानी ए बी दोनों होते हैं, इसलिए सर्वग्राही है, सबका ले सकता है और कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड रक्त वर्ग ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती है, इसलिए सबको दे सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक रक्त, यहाँ नान लिखा गया है दोस्तों, यहाँ रक्त हानि होगा, ठीक है, अत्यधिक रक्त हानि यहाँ पे क्या होगा, हानि, ठीक है, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय विकसित होती है, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग, तो अत्यधिक रक्त हानि से कौन सा चिकित्सीय विकसित होती है, तो वह आपका होगा आघात यानी शॉक, इसको कहते हैं शॉक की स्थिति, क्या कहते हैं, शॉक की स्थिति, यानी जिसमें जीवन को खतरा होता है, यह वह स्थिति है जिसमें रक्त का संचार कम हो जाता है, जिसकी जिससे कोशिकाएं और उत्तकों को भी नुकसान पहुंचता है, शॉक या आघात के कारण रक्तचाप कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और शरीर के सहने की क्षमता कम हो जाती है, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोक भी कहते हैं, शॉक भी कहते हैं या हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट, तो दोस्तों जैसे कि बाया और नीलय जो है जो रक्त को समस्त शरीर की तरफ प्रवाहित करता है, तो वहां पे महाधमनी से समस्त शरीर में भेजा जाता है, तो महाधमनी की जो प्रथम शाखा होती है वह होती है कोरोनरी आर्टरी, जो हृदय यानी महाधमनी से सर्वप्रथम निकलने वाली शाखाएं दाएं बाएं ओर हृदय की कोरोनरी धमनियां होती हैं, जो आगे चलकर अनेक उपशाखाओं में विभाजित होकर हृदय के चारों ओर फैल जाती हैं, इस प्रकार हृदय के सभी भागों तक रक्त पहुंचाती है कौन, कोरोनरी धमनी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी धमनी। एंड इसके बाद दाई और बाई कैरोटिड धमनियां होती हैं, तो कैरोटिड धमनियां जो होती हैं शरीर के सिर और गर्दन के हिस्सों को खून पहुंचाती हैं, उसके बाद अगला हिस्सा होता है दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियां जो कंधों और भुजाओं को खून पहुंचाती हैं, उसके बाद वो जाती हैं और उसके बाद एरोटा की यानी महाधमनी की कई शाखाएं आंतरिक अंगों को खून पहुंचाती हैं, तो उदर क्षेत्र में एरोटा की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, दाई और बाई इलियक धमनी जो पेल्विस क्षेत्र में अंगों को रक्त पहुंचाती है, यही आगे चलकर टांगों तक पहुंचते पहुंचते इसका नाम हो जाता है फीमोरल धमनी जो निचले टांगों तक रक्त को पहुंचाती है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य क्रिया है, किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य क्रिया है, व्हाट इज द मेन एक्शन इन्वॉल्वड इज स्टॉपिंग एनी टाइप ऑफ ब्लड फ्लो, तो वो होता है आपका दाब यानी कि प्रेशर, एक क्वेश्चन आया भी था आपके स्टेट में कि रक्त को बहाव को रोकने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, तो रक्त पर दबाव करना, ये आपका दबाव करना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी का हृदय क्या है, यानी कि एथलीट हार्ट हम किसे कहते हैं, व्हाट इज द हार्ट ऑफ प्लेयर, तो दोस्तों यह हृदय यह हाइपरट्रॉफी स्थिति है, यानी कि हृदय का हाइपरट्रॉफिक स्थिति है, एक खिलाड़ी का हृदय हाइपरट्रॉफिक स्थिति में होता है, इसका तात्पर्य है कि एक अप्रशिक्षित खिलाड़ी या सामान्य व्यक्ति का पल्स रेट 70-72 होता है, जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ी जो है उसका हार्ट रेट जो होता है वह 40-50 होता है पर मिनट, इसलिए इसका प्रभाव खिलाड़ी के हृदय पर पड़ता है, यानी कि नियमित व्यायाम करने से हृदय का आकार बढ़ता है जिसके कारण उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इसे ही हम एथलीट हार्ट कहते हैं, यह हृदय हाइपरट्रॉफिक स्थिति होता है। नेक्स्ट है, रक्त का तरल भाग होता है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा, यानी कि जो रक्त होता है दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स,
प्लाज्मा जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो उसमें WBC RBC प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं वो ब्लड कणिका यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो तरल भाग होता है लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है और ब्लड सेल्स जो है 45% भाग होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 8% प्रोटीन, 0.9% नमक यानी सॉल्ट एंड 0.1% ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं 8% जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन होता है। तो ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन दोनों का निर्माण होता है यकृत में, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त विऑक्सीजनित होता है, ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, कहाँ होता है दोस्तों? सबसे पहले आर्टरी में जाता है, महाधमनी में, महाधमनी में जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाता है, समस्त शरीर में रक्त पहुंचाता है, अंतिम में कोशिकाओं तक जाते जाते वो कैपिलरी यानी कि जो धमनियां होती है अंत में जाते जाते एकदम पतले पतले वाहिनियों बदल जाती है, जिसे कैपिलरी यानी केशिकाएं कहते हैं। वहां पे जाते जाते रक्त जो है वहां पे जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे रक्त में आ जाता है और रक्त अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः सिराओं के माध्यम से हमारे दाएं अलिंद में आती हैं और फिर दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाती हैं, दाएं नीले से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाकर के पुनः शुद्ध होता है, उसके बाद पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से फिर आता है शुद्ध रक्त दाएं बाएं हृदय के बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में, फिर बाएं नीले से शुद्ध रक्त पुनः जाता है महाधमनी के रास्ते समस्त शरीर में। रक्त रक्त भी ऑक्सीकृत यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड होता है तो कैपिलरी में यानी केशिकाओं में। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 30 MCQ क्वेश्चंस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पे इसी तरह देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।